नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आज सीड बैंक्स के बारे में। और मेनली हम बात करेंगे इंडिया के सीड बैंक के बारे में। पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि इंडिया को और बाकी देशों को सीड बैंक्स बनाने की जरूरत पड़ी। दोस्तों, भविष्य किसने देखा है, कब कौन सी आपदा आ जाए, कब दुनिया पर भारी संकट पड़ जाए, ये किसने देखा है। कोई आपदा इंसानी जीवन को इतना लाचार बना सकती है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, जिसमें हमारे घर और बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों, घर और बिल्डिंग तो दोबारा बनाया जा सकता है, परंतु जो नुकसान पेड़ पौधों और हमारे खाद्य पौधों या राशन का होगा उसका क्या। किसी भी पौधे का बीज तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता ना। इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दुनिया में अलग अलग देशों ने अलग अलग सीड बैंक्स बनाए हुए हैं। दुनिया में लगभग 1500 से ज्यादा सीड बैंक्स मौजूद है, जिनमें अलग अलग लाइफ यूज प्लांट सीड्स, स्पेशल सीड्स आदि सभी को स्टोर करके रखा जाता है। तापमान माइनस से हमेशा नीचे रहता है और निचले स्तर के तापमान में रखने की वजह यही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक बीजों को संरक्षित करके रखा जा सके। गर्म जलवायु के हैं वो देश या तो अपना सीड बैंक किसी ठंडे स्थान वाले देश में बनाते हैं या फिर वर्ल्ड में अपने सीड्स को जमा करवाते हैं। दोस्तों, जैसे कई बड़े बड़े देशों के पास उनका खुद का सीड बैंक है, उसी तरह से हमारे भारत के पास भी खुद का एक सीड बैंक है। भारत का इकलौता सीड बैंक लद्दाख के लॉगलॉ टॉप पर भारत द्वारा बनाया गया है, जिसका संचालन DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन करता है। ये सीड बैंक समुद्र तल से 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, जहां का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। दोस्तों, इसे तापमान नहीं, इसे ठंडवान कहा जाना चाहिए। दोस्तों, इस सीड बैंक में इंडिया में उगने वाली सभी प्रकार की फसलों और फ्रूट वेजिटेबल सीड को स्टोर किया गया है। यहाँ पर लगभग 5,000 प्रकार के सीड्स, जिनकी संख्या 50,000 से अधिक है, इन्हें स्टोर करके रखा गया है। दोस्तों, ये तो इंडिया की बात हुई। दुनिया का एक ऐसा सीड बैंक भी है जहाँ दुनिया के सारे इम्पोर्टेंट सीड को स्टोर करके रखा गया है। दोस्तों, आपको इस सीड बैंक में उन देश के सीड्स भी मिल जाएंगे जिन देशों के पास उनके खुद के सीड बैंक्स नहीं है। तो ये सीड बैंक स्पिटवर्गेन द्वीप पर बलुआ पत्रों के बीच बनाया गया है, जिसका नाम स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वार्ड है। बनाने में लगभग $45 मिलियन की लागत आई थी और ये बैंक लगभग 1,720 बैंकों का बैकअप अकाउंट है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। दोस्तों, एक रिसर्च रिकॉर्ड के अनुसार इसमें 4.5 मिलियन प्रकार के सीड्स हैं, जिनकी लगभग संख्या 2.5 बिलियन से भी अधिक है। दोस्तों, हमारी ये सीड बैंक वाली इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे आप इसी तरीके की वीडियो देख पाएँ, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली और वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।